हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। क्या आप जानते हैं ह्युंडई क्रेटा इस बार टॉप 10 सेलिंग गाड़ियों से बाहर चली गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बार भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस साल टाटा ने ऑलरेडी ह्युंडई को पीछे कर दिया। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर हमारे चैनल पे चेकआउट करें या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस महीने की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स कौन सी है। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी आने वाली और किसी भी वीडियो को मिस आउट ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें नंबर 10 पे आती है मारुति की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर यानी कि इको। इको ने 9,165 यूनिट सेल किया है। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है। नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे आती है विटारा ब्रेजा। विटारा ब्रेजा ने 9,531 यूनिट सेल किए हैं। विटारा ब्रेजा पिछले महीने टॉप 5 में आई थी लेकिन इस बार उसकी रैंकिंग थोड़ी नीचे आ गई। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि काफी लोगों ने देखा है कि विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट या न्यू जनरेशन कुछ तो अपडेट आने वाला है। इसके लिए भी विटारा ब्रेजा के थोड़े से डाउन जरूर हुए हैं। नंबर 8 की बात करते हैं तो यह ह्युंडई की वेन्यू। ह्युंडई वेन्यू ने 10,360 यूनिट सेल किए। पिछले महीने के मुकाबले इसके सेल्स बढ़े हैं क्योंकि पिछले महीने ये टॉप 10 में भी शायद नहीं थी लेकिन इस बार ये वहां पे एंट्री कर पाई है। और ह्युंडई की अकेली प्रोडक्ट है जो इस बार टॉप 10 में आई है, वरना पहले i10 क्रेटा कभी कभी i20 भी आती थी लेकिन इस बार वो सभी प्रोडक्ट लिस्ट में से बाहर चले गए हैं। वेन्यू में आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर डीजल, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे आती मारुति की डिजाइन। ये भी अकेली सेडान है जो इस लिस्ट में आ पाई है। ये 10,633 यूनिट सेल की है। पिछले कुछ टाइम से डिजायर की सेल्स काफी कम हो गए थे और कई बार तो ये टॉप 10 से भी बाहर चली गई थी लेकिन इस बार ये भी वापस आई है लिस्ट में। नंबर 6 पे है मारुति की ऑल्टो। ऑल्टो ने 11,170 यूनिट सेल किए। ऑल्टो को देख के एक चीज जरूर समझ आता है कि लोग अब कुछ हद तक ऑल्टो के डिमांड कम हो गई है। पहले जहां पे हमेशा टॉप पे रहती थी या टॉप 3 में तो हमेशा रहती थी लेकिन अब हम काफी महीनों में देख रहे हैं कि वो टॉप 5 टॉप 6 में आने लगी है। मतलब कि लोग की अब प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज हो रही है, उन्हें एक थोड़ी स्पेशियस गाड़ी चाहिए, थोड़ी पावरफुल गाड़ी चाहिए। नंबर 5 पे आते हैं तो यहाँ पे आती मारुति की अर्टिगा। अर्टिगा ने 11,840 यूनिट सेल किए हैं। अर्टिगा हाईएस्ट सेलिंग 7 सीटर लगातार बनी हुई काफी लंबे टाइम से, जबकि केवल एक इंजन ऑप्शन में आती है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। हाँ उसमें सीएनजी भी मिलता है पर बिना डीजल इंजन के भी एक एमपीवी जबरदस्त तरीके से मार्केट को डोमिनेट कर रही है। नंबर 4 पे आते हैं तो यहाँ पे है टाटा निक्सॉन। टाटा निक्सॉन ने 12,899 यूनिट सेल किए। ये भी टाटा की लाइनअप से अकेली गाड़ी है जो इस लिस्ट में आ पाई है और पिछले काफी टाइम से कंटिन्यूसली इस लिस्ट में आ रही है। निक्सॉन आपको दो इंजन ऑप्शन मिलती है, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। ईवी के सेल्स इसमें शायद इंक्लूडेड नहीं है। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आती है मारुति की बलिनो। मारुति बलिनो ने 14,458 यूनिट सेल किए हैं। बलिनो भी केवल एक इंजन ऑप्शन के साथ आती है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बलिनो के काफी सारी नेगेटिव्स लोग बोलते हैं लेकिन उसके सेल्स में इसे नहीं दिखता है। अब हम टॉप 2 में आ जाते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम टॉप 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे आती है मारुति की स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट ने 15,661 यूनिट सेल किए। मारुति स्विफ्ट के लिए आपको एक ही इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको मैनुअल और एएमटी दोनों ऑफर किया जाता है। स्विफ्ट काफी लंबे टाइम से टॉप सेलिंग कार रही है। डेफिनेटली कभी कार उसकी सेल्स ऊपर नीचे होते हैं पर फिर भी उसके लुक्स उसकी इंजन रिफाइनमेंट के लिए आज भी उसकी सेल्स को कोई टक्कर नहीं दे पाता है। अब हम नंबर 1 की बात करते हैं। अगर स्विफ्ट ऑल्टो बलिनो सब आ चुके हैं, क्रेटा है नहीं, तो नंबर 1 का स्पॉट डेफिनेटली जाता है मारुति की वैगनार को। वैगनार ने 19,729 यूनिट सेल किए हैं। वैगनार के सेल्स
में सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन में अगर हम किसी चीज को कंसीडर करें तो वो है वैगनर का स्पेस, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस और कोई भी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे ऑफर नहीं कर पाती। वैगनर में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों मिलता है, और जो आखिरी ऑप्शन है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो आपको सेम बलिनो वगैरह में भी प्रोवाइड किया जाता है। मारुति वैगनर इस टाइम पे सीएनजी में भी इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि अब जल्दी इसके मेन ड्राइवर्स में से यानी कि टियागो में भी सीएनजी आने वाला है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या टियागो इसके सेल्स के ऊपर असर करेगी या फिर ये अपने सेल्स को मेंटेन कर पाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।